ये जो संक्रांति फेस्टिवल है हमारा आंध्र प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। जनरली ये कहते हैं ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, पर हम दिल्ली में जैसे यहाँ पे अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसी रिवाज को हम फॉलो करते हुए पहला दिन हम बोगी करके मनाते हैं, जिसमें जैसे आप लोहड़ी बनाते हैं हम पंजाबी में, वैसे यहाँ पे भोगी सुबह के टाइम में हम सारा जो है अग्नि वो जलाते हैं। फिर उस दिन छोटे बच्चों को वो जो होते हैं ना बेर बेर वगैरह डालते हैं। अगले दिन होता है मेन फेस्टिवल संक्रांति, वो बोम्मल कोलवू करके जो हमने पीछे लगाया है, मतलब बोम्मल कोलवू मतलब गुड़ियों को सजाते हैं। जनरली ये कहावत है कि बच्चों को जब हार्वेस्टिंग हो जाता है तो पैसे वगैरह लेकर आते हैं किसान, तो थोड़ा सा खुशी के लिए लड़कियों को पैसे से गुड़िया खरीदते, ये चला आ रहा है। पर वो चलते चलते हमने भी वही फॉलो कर दिया है कि हर एक साल हमें लगाना है ऐसे। और तीसरे दिन कनुओं होता है, कनु इट मीन्स इट इज़ उस दिन आयरन कंटेंट वाले चीज़ खाते हैं, वड़ा जैसे होता है, और जो दूसरे होते हैं वो दूसरे चीज़ भी खाते हैं, बट इट शुड बी आयरन कंटेंट। ये 3 दिन का हार्वेस्टिंग मेन फेस्टिवल है एपी भवन में। हाँ, ये तेवा ऑर्गेनाइजेशन मना रहा है, तेलुगु एम्प्लॉयज़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, मिसेस सुशीला वरदराज हु इज़ द प्रेसिडेंट एंड फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। वो यहाँ पे हम सब तेलुगु लोगों को इकट्ठा करके, ये उनकी मेन एसोसिएट है शिरीषा जी, हाँ, और हम सारे रिश्तेदार भी हैं, फ्रेंड्स हैं सारे। यहाँ पे रंगोली कंपटीशन हो रहा है और वेजिटेबल कार्विंग और कुकिंग कंपटीशन, मेन कल्चरल फंक्शन कल्चरल शोज हो रहे हैं छोटे छोटे बच्चों का। कुकिंग कंपटीशन में मेन राइस फ्लोर से ही बनाना है, क्योंकि ये राइस राइस ही आता है हमारा, जो आंध्र प्रदेश का मेन फसल है वो राइस है, चावल है, तो उसी से कंटेंट से कुकिंग कंपटीशन हो रहा है। तो और छोटे छोटे बच्चों का, इन्हीं का फेस्टिवल है, लड़कियों का फेस्टिवल है, तो इन सब का डांस वगैरह।